क्लास 7 चैप्टर 2 पार्ट 2 शुरू करेंगे हम पिक्चर के ऊपर वाले स्टैंजा से पैसेज से पैरा से. डिस्पाइट द बैरन लैंडस्केप, बैरन मतलब बंजर, लैंडस्केप मतलब दृश्यावली, सारा सब जगह लैंडस्केप जहाँ भी आप देखें बंजर हो. ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट. तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आप पा सकते हो, ढूंढ फाउंड हो जा देख सकते हो डेजर्ट में. द प्रॉब्लम फेसिंग दीज एनिमल्स इज लैक ऑफ वाटर एंड द हीट. ये एनिमल्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, लैक मैंने कमी, लैक ऑफ वाटर पानी की कमी और हीट, इनको हीट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे. स्मॉलर एनिमल्स छोटे एनिमल्स लाइक रैट स्कर्ल्स गलेरियाँ डो नॉट ड्रिंक वाटर, वे पानी नहीं पीते. दे ईट एनिमल्स एंड गेट मॉइस्चर फ्रॉम देयर मीट. तो वो एनिमल्स को खाते हैं छोटे मोटे और उनके मीट से उनको मॉइस्चर नमी मिल जाती है. मॉइस्चर मीन्स नमी. अदर ईट, और जो दूसरे एनिमल हैं, अदर्स ईट प्लांट्स, वो पौधे खाते हैं, सीड्स खाते हैं फ्रॉम वेयर दे गेट द वाटर. जैसे कि आप पिक्चर के कोने में देखोगे कैक्टस का प्लांट है, कितना मोटा है उसका जो स्टेम है, ताकि उस क्योंकि उसमें नमी है तो उसके अंदर नमी होती है, वो एनिमल्स उसको खाते हैं तो उससे उनको मॉइस्चर मिलता है. अदर ईट प्लांट्स एंड सीड्स फ्रॉम वेयर दे गेट वाटर. द एनिमल्स स्पेंड द डे अंडरग्राउंड टू शेल्टर देमसेल्फ. तो ये जो एनिमल्स हैं वो अपना दिन बिताते हैं अंडरग्राउंड ताकि खुद को शेल्टर दे सकें, आश्रय दे सकें. जैसे जैसे शेल्टर, हमारा घर हमारा शेल्टर है. देमसेल्फ फ्रॉम द हॉट सन, खुद को गर्म सूरज से शेल्टर दे सकें. दे कम आउट टू फीड ओनली एट नाइट. वो कब खाना खाने आते हैं, खुराक लेने आते हैं, जब रात होती है. रेप्टाइल्स जैसे हो गए, जैसे छिपकलियाँ सांप, ऑन द अदर हैंड नीड टू वार्म अप इन द सन. उनको सूर्य की गर्मी की ज़रूरत होती है बिफोर दे बिकम एक्टिव और हंट, इससे पहले कि वो एक्टिव हो सकें, हंट शिकार कर सकें. सो दे कैन नॉट फीड एट नाइट. तो वो रात को अपनी खुराक नहीं ढूंढ सकते. हम देखते हैं कि घरों में छिपकलियाँ होती हैं, वे सर्दियों में नहीं निकलती बाहर, वे गर्मियों में निकलती हैं. दे शेल्टर इन बोरोज एंड रॉक क्रिवाइसिस, जो मुहाने होते हैं चट्टानों के, उनमें या छोटी मिट्टी के जो तोंदों में वे शेल्टर लेते हैं. ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दोपहर के समय जो हॉटेस्ट पार्ट होता है डे का. बास्किंग एंड फीडिंग ड्यूरिंग द कूलर अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग. बास्किंग धूप कब लेते हैं, खुराक कब लेते हैं, अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग या इवनिंग जब धूप कम होती है. बात हो रही कैमल्स की, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हो. कैमल्स आर डेजर्ट एनिमल्स. दे फ्लैट वाइड फीट, उनके पैर आप देखोगे छोटे छोटे बड़े पैर होते हैं. हेल्प देम टू वॉक ईजली ओवर सॉफ्ट सैंड. तो रेत के अंदर उनके पैर नहीं धंसते, वो आराम से उस रेत में चल पाते हैं. दे कैन इवन क्लोज देयर नोस्ट्रिल्स, जैसे हमारा नाक है, नाक में जो छेद हैं जिससे हम सांस लेते हैं, इस रास्ते को नोस्ट्रिल बोलते हैं. तो वो अपने नोस्ट्रिल भी क्लोज कर सकते हैं जब हवा में रेत बहुत ज़्यादा हो, रेत की आंधी आ रही हो, तो उनके अंदर रेत नहीं जाती है. कैमल्स विल ईट ड्राई, कैमल्स खाएंगे सूखे थॉर्नी प्लांट्स. थॉर्नी मतलब कांटेदार प्लांट्स, जैसे कि अब पिक्चर में आप देख रहे हो कोने में कैक्टस है. दैट अदर एनिमल्स वुड नॉट, जो कि दूसरे एनिमल्स नहीं खाते. एंड दे कैन गो फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फूड एंड वाटर. लंबे समय तक वे विदाउट फूड एंड वाटर रह सकते हैं. देर हम्स, जो पीठ के ऊपर कुबड़ होता है एनिमल की, कैमल की, देर हम्स आर एक्चुअली फूड स्टोर्स. वो एक तरह के फूड स्टोर हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, फैट की शेप में. देर बॉडीज कंजर्व मैंने जमा कर लेती हैं, संरक्षित कर लेती हैं, बचा के रख लेती हैं एज मच एज वाटर एज पॉसिबल, जितना कि वो रख सकती हैं. जब एनिमल, जब कैमल पानी पीने लगता है खूब लीटर पानी पी जाता है, तो वो कई दिनों तक चलता रहता है. नो वंडर दे कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज. द रीज़न इज दैट दे स्वेट वेरी लिटल, वो बहुत कम उनको पसीना आता है. दे कैन स्टैंड ए हाई बॉडी टेम्परेचर, वो हाई बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं. दे डू ड्रिंक वाटर, वेन दे डू ड्रिंक वाटर, जब वे पानी पीते हैं, दे टेक लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर इन शॉर्ट टाइम. द कैमल इज पॉपुलरली नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट, इसको कहते हैं शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज़. कैम क्योंकि वो इतनी तेज़ी से ट्रेवल करता है और बिना थके, कम खुराक कम पानी में, और अब जानते हो डेजर्ट में तो कोई और चीज़ चल ही नहीं सकती है,
रेत में। कैमल्स आर यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स एंड पीपल, कैमल्स का इस्तेमाल होता है गुड्स चीज़ों को उठाने में, पीपल को कैरी करने में। फॉर मैनी माइल्स, गुड्स मैंने वस्तुएं चीज़ें। देयर मीट वूल एंड मिल्क इज़ वैल्यूबल टू, उनका मीट, उनकी जो वूल होती है, जैसे भेड़ की वूल होती है, बाल होते हैं उसके ऊपर, उसी तरह मिल्क भी उनका वैल्यूबल है। अब कई जो कंट्रीज में उसका मीट भी खाते हैं। एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, दे मस्ट कंजर्व मच एज दे कैन। अब प्लांट्स की बात हो रही है, तो पहले रेत की बात हुई, फिर कैमल्स की बात हुई, अब प्लांट्स की। आप देख रहे हो मोटे मोटे प्लांट्स हैं, तना उनका मोटा है और पत्तियों की जगह उनके कांटे हैं, ताकि पानी ना सूर्य की गर्मी से वाष्पित हो जाए। एज प्लांट्स नीड वाटर टू सर्वाइव, दे मस्ट कंजर्व एज दे कैन। तो वो उतना संरक्षित कर लेते हैं जितना वो कर सकते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में चाहे जानवर हो चाहे पौधा हो, वो पानी को कंजर्व कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टी शोज, कैक्टस जो है वो स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, अपने तनों में मोटे मोटे में स्टोर कर लेते हैं। देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें होती हैं, लाई क्लोज टू द सर्फेस, वो सतह के नज़दीक होती हैं ग्राउंड के, ताकि जो भी रात को नमी आए या थोड़ी सी भी बारिश हो, आपको पता है रेगिस्तान में कम बारिश होती है, उसी टाइम उसको वो स्टोर कर लें। द रूट्स क्लोज टू द सर्फेस, वो सतह के नज़दीक होती हैं ज़मीन के, टू द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन एंड दैट सम टाइम फॉल। डेजर्ट्स एंड एरिड रीजन्स कवर 1/8 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। जो डेजर्ट्स हैं या ये रीजन्स हैं, ये धरती के 1/8 आठवां हिस्सा इन्होंने कवर किया हुआ है। द ड्राइएस्ट डेजर्ट इज कौन सा है? एटकैमा इन चिली। चिली एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, अमेरिका के नीचे जो कंट्रीज हैं उनको साउथ अमेरिका बोलते हैं। एंड द लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है? वो है सहारा अफ्रीका में। और जो महाद्वीप हैं, कंटिनेंट है, जैसे एशिया, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो कौन सा ऐसा डेजर्ट है जिसने अपने कंटिनेंट महाद्वीप का सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया हुआ है, सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है? द कॉन्टिनेंट विद द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ डेजर्ट विच इज़ ऑलमोस्ट 1/2 ऑफ इस एरिया की, उसके आधा एरिया कवर कर लेता है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का आधा एरिया डेजर्ट में कवर है। हम सोचते हैं ऑस्ट्रेलिया एक ठंडा मुल्क है, नहीं, बहुत गर्म मुल्क है, ठंड भी होती है। डेजर्ट्स आर एज इम्पोर्टेंट एज फॉरेस्ट, डेजर्ट उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने फॉरेस्ट होते हैं। ओशियंस महासागर होते हैं, प्लेन्स मैदान होते हैं, माउंटेंस पहाड़ होते हैं, धरती के लिए उतने ही ज़रूरी हैं। लेट अस नॉट लुक डाउन अपॉन डेजर्ट, तो हम कम नहीं आंकें डेजर्ट को। लुक डाउन मैंने किस चीज़ को कम समझना? मैनी ह्यूमंस प्लांट्स एनिमल्स हैव देयर होम्स इन डेजर्ट, हैंस ए यूजफुल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो हैंस क्या है कि ये एक यूजफुल पार्ट है। और